इस मंदिर में पीड़ितों को मिलता है तुरंत न्याय। किंवदंती है कि पोखू देवता के दरबार आए पीड़ित लोगों को हाथों हाथ न्याय मिलता है। न्याय की आस में पोखू दरबार आए लोगों को मंदिर के कुछ नियम कायदों का पालन करना होता है। कहते हैं पोखू देवता किसी को भी निराश नहीं करते। इस मंदिर में पूजा पाठ की विधि भी अनूठी है। हिमालय पर्वत से निकली रूपीण और सुपीण नदी के संगम पर स्थित नेटवार के पोखू मंदिर में पूरे साल यह क्रम चलता है। मंदिर के बारे में विशेष तथ्य दैश पोखू देवता का यह मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के क्षेत्र के नेटवार में मौजूद है। दैश पोखू देवता के दरबार में दर्जनों लोग रोजाना अपनी फरियाद लेकर आते हैं। दैश मंदिर में भक्त अमूमन जमीन जायदाद के विवाद के साथ अपनी तमाम समस्याएं लेकर आते हैं। दैश यह उत्तराखंड में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां सामाजिक प्रताड़ना और मुसीबतें झेलने के बाद निराश लोग न्याय मिलने की उम्मीद में आते हैं। कौन है पोखू देवता? उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसने वाली कई जनजातियां जैसे कि सिंगतूर पट्टी के नेटवार दड़गाण कलाब सुचियान पैंसर पोखरी पासा खड़िया सीनी लोदराला व कामड़ा समेत दर्जन भर गांव के लोग पोखू को अपना कुल देवता मानते हैं। होती है पोखू देवता की अनूठी पूजा। दैश पोखू देवता मंदिर में पूजा पाठ की विधि अनूठी है। दैश मंदिर के पुजारी पोखू देवता की मूर्ति की तरफ मुख करने के बजाय पीठ घुमाकर पूजा करते हैं। दैश सुबह साय दो बार पूजा होती है। पूजा से पहले पुजारी रूपीण नदी में स्नान करके सुराई गणवे में पानी लाना होता है। इसके बाद आधे घंटे तक ढोल के साथ मंदिर में पूजा होती है।